स्वागत है आप सबका फिर से यहाँ पे सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट की वीडियो के अंदर। डबल एडर का दूसरा मैच है बबिनो लीदर बैग्स बनाम सल्फ्यूरिक सल्फर्स के बीच में, जो खेला जाएगा डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो ग्रॉस आइलैंड के अंदर है। मैच टाइमिंग है रात के 12 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम देखने को मिलेगा। अभी तक टूर्नामेंट अपना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, खुद देख सकते हो कल जो मैच था रात को 12 बजे उसके रिजल्ट्स कैसे रहे थे। यहाँ पर टोटल 51 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे, 39 कॉन्टेस्ट जीते थे और यहाँ पे मेरे को 2x प्रॉफिट मिला था। जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसका दोगुना यहाँ पे मेरे को विनिंग मिली थी। तो अपन कोशिश करेंगे यहाँ पर उसी तरह से गेम को लेके चले और कंसिस्टेंसी बना के रखें। और आप देखो एक और मैच हुआ था, इसके भी रिजल्ट आपको मैं शो करूँगा, रात को 9:30 बजे हुआ था। इसके अंदर देखो 73 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे, 36 जीता था, 50% रेशियो आया था, जितने इन्वेस्टमेंट किया था उतना मेरे को रिटर्न मिल गया था। कोशिश करेंगे अपन वही कंसिस्टेंसी बरकरार रखें इस टूर्नामेंट के अंदर और बेटर से बेटर अपन करते जाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे VPL कवर किया था, क्या शानदार टूर्नामेंट रहा था। उसके बाद भाई साहब जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट रहा आज तक T10 का, वो स्पाइस T10 लैग था, बहुत अच्छा T10 टूर्नामेंट किया था। कोशिश करेंगे वही अपन फॉर्म पे बरकरार रखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फ़ायदा क्या है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट्स आएगी ना, YouTube के ऊपर अपडेट देना मुश्किल हो जाता है रात को 12 बजे, तो कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। तो कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लो। अब देखो स्टूडियो में आपको खास क्या मिलता है, मैं आपको पहले बता दूँ। स्टूडियो के अंदर आपको पिच रिपोर्ट मिलती है सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है प्लेइंग 11 जो होगी इस गेम के अंदर, प्लेयर्स का रोल क्या है, वैरायटी बैटर है, ऑफ स्पिनर है, जो प्लेयर का रोल होता है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आपको लास्ट मैच के परफॉर्मेंस मिल जाते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि बॉलर कौन सा नंबर का ओवर डाल रहा है, पहला ओवर डालता है, 10 ओवर डालता है, 8वां ओवर डालता है। इसके बाद आपको हर प्लेयर के T10 स्टैट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर रेटिंग, कि अच्छा प्लेयर है या बहुत खराब है, नॉर्मल, ऐसे आपको हर प्लेयर की रेटिंग मिल जाती है। तो पिच रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वनी के ऊपर, आज की तारीख के अंदर ही उसको ओपन करेंगे। कल रात को 12 बजे मैच हुआ था माइकुड ईगल्स बनाम फोर्ट नॉर्थ रेडर्स के बीच में। ये इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है और दिन का दूसरा मैच है, और जो कल लास्ट मैच हुआ था उसके अंदर पेसर्स ने 8 विकेट निकाला था और स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाला था। डैरेन सैमी जूनियर ने 2 विकेट निकाले थे, जो डैरेन सैमी के बेटा है, ऑफ स्पिनर है वो। तो अब देखें यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न कैसे बना। स्कोरिंग पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए आप, जस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्कोरिंग पैटर्न पूरा। तो अब इसमें ये समझो स्कोरिंग पैटर्न रहा कैसे है। जो पिछला मैच था उसके अंदर पहले VFNR टीम बैटिंग करने आती है, 76 बनाती है, ठीक है, 76/8। फिर जो टीम चेज करने आती है यहाँ पे माइकुड ईगल्स, वो 8.4, मतलब 10 बॉल रहते टारगेट चेज कर जाती है। उससे पहले 91 बनाया टीम ने, टारगेट चेज हो गया 13 बॉल रहते 7.5 ओवर्स के अंदर। उससे पहले 139 बना 5 विकेट गवा के और टारगेट चेज नहीं हुआ, मैं कैसे कह सकता हूँ टारगेट चेज नहीं हुआ, या आप देखो 94 बनाया, 90 बना टारगेट चेस हो गया 9 बॉल रहते, 103 बना टारगेट चेस नहीं हुआ, 88 बना टारगेट चेस हो गया 2 बॉल रहते। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे लास्ट 60 मैचेस के अंदर 29 मैच बैटिंग फर्स्ट, चेस करते हुए 31 मैच जीते गए हैं। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं लास्ट 39 मैच के अंदर बॉलर्स ने करा क्या है। पेसर्स ने 182 विकेट निकाला, स्पिनर्स ने 99 विकेट्स निकाले, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आपको T10 के रूल्स नहीं पता तो आपको समझा दूँ, 60 ओवर का टूर्नामेंट होता है, 4 ओवर उसमें पावर प्ले होती है, 4 ओवर मतलब 24 बॉल, और एक बॉलर मैक्सिमम 2 ओवर डाल सकता है। लाइनअप्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे बबिनो लीदर बैग्स के लिए क्लैब थॉमस ओपन करता है, राइटी बैटर राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है। जॉन एल इजोनी के साथ वो लेफ्टी बैटर राइट हैंड मीडियम है। शरवान जोसफ राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट हैंड फास्ट है, जिस टीम की कप्तानी कर रहा है। आप देखोगे ड्रीम इलेवन के ऊपर इसका रोल जो दिया हुआ है ना शरवान जोसफ का, ये दिया हुआ है राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैटर दिया हुआ है, पर भाई साहब ये राइट ही बैटिंग करता है शरवान जोसफ, ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी देते हैं लोग। एलेफेन लवफुले राइट ही बैटर है, जया एंटोनी राइट ही बैटर राइट मीडियम है, एलेक्स जोसफ लेफ्टी है, इसको ड्रीम इलेवन के ऊपर राइट ही दिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे। तो इन चीज़ों पर बिलीव ना करें, जो मैचेस देखता है उसी पर बिलीव करें, मैं पूरा मैच देखता हूँ आपको बताइए। ये देखो इन्होंने इसको दिया है लेफ्टी, यहाँ पर सही लिखा है, पर इसको देखो इन्होंने लेफ्टी दिया हुआ है शरवान जोसफ को, यह है लेकिन राइटी बैटर शरवान जोसफ। फिर यहाँ पे क्वेन हेनरी राइटी है, डिवैन यूजनी राइट एम फास्ट है, नेहम रेसमोंड राइट एम मीडियम फास्ट, जॉस सिपल राइट एम मीडियम, फिर नेहमिया विल्फर्ड राइट एम मीडियम फास्ट बॉलर है। सल्फ्यूरिक सल्फर्स की बात करें तो यहाँ पे टेनी गैब्रियल है जो राइटी बैटर है, जूलियन सेलेफिशर के साथ ओपन करते हैं, वो विकेट कीपर लेफ्टी बैटर है, जैट सिनमल राइटी बैटर है, शानी मैसमैन बड़ा ही खूबसूरत प्लेयर है इस टीम का कप्तान, राइटी बैटर राइट एम मीडियम है, वन है प्रॉस्परी राइटी बैटर एंड फास्ट,
केविन गैसी राइट मीडियम, ब्रेड एटीसन राइट मीडियम, डेलिस मंड्रूस ऑफ स्पिनर है, जेवन चार्ल्स राइट मीडियम है, टेंस लिपल्टॉय राइट हैंडेड बैटर है, एस्टन लिपल्टॉय राइट ही बैटर है। अब चलते हैं लास्ट मैच परफॉर्मेंस की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लैब थॉमस की बात करते हैं। पिछले मैच में एक ओवर के अंदर 18 रन दिया, विकेटलेस चला गया, मेरी टीम का कैप्टन था और बल्ले से 31 रन बनाया था 18 गेंदों के अंदर। फिर यहाँ पे जॉनल इजवानिया आते हैं, इन्होंने भी सेम वही किया जो क्लैब थॉमस ने किया था, 31 बनाया मात्र 18 गेंदों के अंदर, एक ओवर के अंदर 20 रन दिया। दोनों जो ओपनर्स थे वो मार भी खाए और बल्ले से रन भी बना के गए थे। शर्विन जोसफ का एक रन था 4 बॉल के अंदर, बहुत लोग उसको कैप्टन करके आ रहे थे, मैंने वीडियो में कहा था भाई कैप्टन मत करना इस बंदे को, ये बॉलिंग नहीं करता है ज़्यादा। अल्फिन लाफुले का 5 रन था, ज़या एंटोनी का एक विकेट था, 25 रन देके फास्ट बॉलर है 2 ओवर के अंदर। एलेक्स जोसफ का 1 रन था, क्वेनी हेनरी का 15 रन था 9 गेंदों के अंदर, मैं देख के शौक था बंदा आना चाहिए था 2 डाउन शर्विन जोसफ के नीचे, पर उसको एकदम नीचे भेजा और अच्छी इसने बैटिंग भी करी थी, 30-40 पॉइंट देखे गया था, अपने लिए तो अच्छा ही था, अपनी टीम में था, डिफरेंशियल प्लेयर था। डेवान यूजेनी 2 ओवर के अंदर 26 रन दिया विकेटलेस। नेम रॉसमंड 1 विकेट 21 रन देके, जॉश ट्रिपल ने 2 विकेट निकाला 29 रन देके। स्टार्टिंग और कौन डालता है, डी यूजेनी, नेम रॉसमंड, शेपल, डेथर के अंदर जया एंटोनी और यूजिनी दिखते हैं। देखो पिछले मैच में यूजिनी का पहला नवा था डी, नयाम रॉसमंड का दूसरा चौथा, सेपल का तीसरा छठवा था, जॉनल यूजिनी का पांचवा था, क्लैब थॉमस का सातवा था। अगर क्लैब थॉमस का 7 ओवर अच्छा चले जाता ना तो लास्ट ओवर डालने आ जाता। जया एंटोनी का 8वां 10वां था। साफ सल्फर सिटी की बात करते हैं, टनी गैब्रियल ने 9 रन किया 14 बॉल में, टेस्ट मैच खेलने आया था। जुलियन सेल्वेशन ने 28 किया 23 बॉल में, जेड टेस्टनोमल ने 17 किया 10 गेंद के अंदर नाबाद। वो तो शानी मैचमैन आ गए इसलिए टीम थोड़ा अच्छी संभल गई थी, 17 रन बनाया था 5 गेंद के अंदर, बॉलिंग से 2 डाला और 23 रन देके विकेटलेस रहा था। बहुत अच्छा प्लेयर है, कैप्टनसी का आपका फिर से पिक होना चाहिए सबसे टॉप। युएना पोर्ट्सबरी बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, 2 ओवर के अंदर 9 रन दिया, कमाल का स्पेल था, विकेटलेस चला गया था। केविन गैसी 1 ओवर के अंदर 18 रन दिया और विकेटलेस गया, ब्रैडली टिसन ने 1 ओवर में 9 रन दिया विकेटलेस गया, डेलिसी मनरोस ने 1 विकेट निकाला 16 रन देके 2 ओवर में, जर्विन चार्ल्स ने 2 ओवर डाल के 13 रन देके 1 विकेट निकाला। स्टार्टिंग ओवर शानी मैस्वाइन, वैन प्रॉस्पेरी, केविन गैसी, डेथ ओवर के अंदर डेलिस मनरोस, जर्विन चार्ल्स, वैन प्रॉस्पेरी। अब देखो पिछले मैच के अंदर शानी मैस्वाइनी का पहला तीसरा था, नई गेंद से बॉलिंग करने आए, वैन प्रॉस्पेरी का दूसरा 10वां था, केविन गैसी का 4था, ब्रैडली टिसन का 5वां, डेली मनरोस का 6वां 8वां था, यार डेथ में आ गया था, जेवन चार्ल्स का 7वां 9वां था, तो प्रॉपर डेथ बॉलर है जर्विन चार्ल्स। मेरे को इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगी वैन प्रॉस्पेरी की, मैंने कहा भी था बहुत अच्छा प्लेयर है, बात भी करी थी मैंने उस प्लेयर के बारे में डिटेल से। डेथ ओवर के अंदर 2 रन दिया था 10वें ओवर के अंदर। ये हर प्लेयर के टी10 स्टैट्स से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप, शर्विन जोसफ ने 8 मैच खेला, ठीक है, 163 रन बनाया है बल्ले से, टी10 के अंदर 157 का स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग से 6 विकेट है, 8 मैच खेल के 7 इनिंग्स में बॉलिंग कर रहा है, कभी कभार बॉलिंग करता है, 11 का स्ट्राइक रेट है, 10 की इकोनॉमी है, 11 और बॉलिंग कर चुका है, 8 मैच खेल के बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए वेरी गुड है। क्लैब थॉमस को मैंने लास्ट गेम में कैप्टन क्यों किया था, 4 मैच में 74 रन इसके टी10 के अंदर, 177 का स्ट्राइक रेट है, 6 विकेट है, 4 इनिंग्स में बॉलिंग कर चुका है, 8 ओवर बॉलिंग कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। इसी तरह आप यहाँ पे सारे प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो, डेवान यूजेनी 4 मैच में 2 विकेट हैं, संजय हले अनअवेलेबल है, ये जेवन चार्ल्स भी अनअवेलेबल है, बहुत अच्छा प्लेयर है, खेलेगा तो टीम में रखना है उसको। चलते हैं यहाँ पे सौफरे सल्फर की तरफ, शानी मैस्वाइन का 11 मैच में 120 रन है, बॉलिंग से 12 विकेट है, बहुत अच्छा प्लेयर है। जुलियन सेल्विस्टर का 11 मैच में 250 रन है, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसी तरह सारे प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो, डेलिस मंड्रोस का 10 मैच में 4 विकेट है, 5 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, जेरवन चार्ल्स का 11 मैच में 4 विकेट है, 8 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, वैन पॉस्परी का 2 मैच में 3 विकेट है, कमाल का गेंदबाज है, 3 की इकोनॉमी है इसकी पूरे टी10 के अंदर। इसी तरह आप सारे प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो, या फिर आप क्या करो, अपने मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप देखो मैच लाइव है अभी भी। ये मैच क्यों लाइव है मैं आपको समझाता हूँ, क्यों लाइव है, क्योंकि भाई साहब अपन ने कवर किया है और यहाँ पर आपको स्टैट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि टीम लगा नहीं है, स्टैट्स आपको पूरे मिल जाते हैं हर एक प्लेयर के, जो मैंने आपको वीडियो में सारे स्टैट्स शो करे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्टार्टिंग और कौन डाल रहा है क्या क्या है। और यहाँ पर भाई साहब रैरी के ऊपर ना कल के दिन कितने का गिव है आपको पता है, 80 लाख रुपये का गिव है, 80 लाख का फ्री में बांट रहे हैं भाई साहब, तो रजिस्टर कर लेना राजस्थान वर्सेज बेंगलुरु के मैच के अंदर। इसमें सिर्फ आपको पैक बाई करना है, वो पैक आपके आ जाएगा 50% बोनस के अंदर, मतलब पैक है 576 रुपये का, उसमें से आपको सिर्फ आधा पैसा पे करना है 288। ये फ़ायदा है, साइन अप करें, खेल के देखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके वीडियो देख ले, इस पर क्लिक करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने आ जाएगा। अब चलते हैं टीम्स की तरफ, जो आपसे मैं कह रहा था टीम्स भी अपन बनाएंगे जो भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आपके लिए, कोशिश तो मेरी बेस्ट रहेगी
जूलियन सिल्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको मैं टीम में रखूंगा ही रखूंगा। क्यू हेनरी मेरा बैकअप प्लेयर है, इसको मैं थोड़ी देर में आके दोबारा देखता हूँ इसको टीम में रखना है या नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिल्वेस्टर के साथ जाऊँगा। यहाँ पे सैपल आपका कॉल रहेगा, मनरोज भी बहुत अच्छा प्लेयर है, जैक टर्नस में उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। जे एंटोनिया पिछले मैच में डेथ रो में बॉलिंग करने आ गया था, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ इसके शाइनी मैसमैन इंपॉर्टेंट, जॉनल इंपॉर्टेंट है, क्लैब थॉमस इंपॉर्टेंट है, और शर्विन जसोफ भी आप रखो प्लान्स में। इस टीम का कप्तान है जो टीम है ना, क्या हो गया ये टीम है ना, आप देख रहे हो कौन सी टीम, बबिनो लीदरबैक्स की, ये इस टीम का कप्तान है, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ से जे चार्ल्स प्रॉपर डेथ रो में इसने सातवां नंबर डाला, वैन प्रॉस्पे को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, दो प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं कर सकते आप। लैरी एडवर्ड्स है क्या भाई साहब, ये खेलेगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये दो प्लेयर्स अनअवेलेबल है, मैं अभी देख रहा हूँ उन्होंने लैरी एडवर्ड्स ऐड कर दिया। अगर ये प्लेयर खेलता है लैरी एडवर्ड्स, ये भाई सुपरस्टार प्लेयर है, ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हुआ देखिएगा टॉप चार पाँच के अंदर, और ये बॉलिंग से दो डालेगा। लैरी एडवर्ड्स इज ए सुपरस्टार प्लेयर, ये खेलता है आपको टीम में रखना ही रखना है। लैरी एडवर्ड्स को याद रखना, लैरी एडवर्ड्स इज ए सुपरस्टार प्लेयर, ये टीम में रहेगा ही रहेगा। तो ये तीन प्लेयर्स मैंने यहाँ से ले लिए फ्रॉम द बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब दो प्लेयर्स है ना, ये आप अपना रिस्क ले सकते हो, ये मेरे नौ प्लेयर्स को कंफर्म टीम में रहने रहने वाला है। अब मैं आपको एक दो प्लेयर्स और लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो क्यू हेनरी को आप ले सकते हो, प्रीवियस मैच में बहुत नीचे आया था तो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको शायद इतनी। सैपल को आप ले सकते हो, मनरोज को भी ले सकते हो, आपको एक दो और करके दे सकते हैं। मनरोज ने देखो पिछले मैच में कौन सा डाला था, ऐप में देखते हैं चलो, पिछले मैच में मनरोज का था, देखो आप यहाँ पे कहाँ गया अपने मनरोज भाई साहब, मनरोज यहाँ पे है, छठवां और आठवां था, मतलब इसने आठवां मतलब डेथ ओवर के करीब इसने एक ओवर आके डाला था, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्लैब सैपल ने कौन सा डाला था आप देखो, तीसरा और छठवां डाला था क्लैब सैपल ने, तो आप चाहे तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। मेरे को दोनों थोड़े से रिस्की लग रहे हैं। तो फिलहाल ब्रैडली टीसन भी अच्छा प्लेयर है, स्टैट्स आप देखना चाहते हो यहाँ पे जाके देख सकते हो। ब्रैडली टीसन ये देखो, आपको यहाँ इसके स्टैट्स मिल जाएंगे, 11 मैच के अंदर 6 विकेट है इसके T10 के अंदर, और 10 इनिंग्स में बॉलिंग कर चुका है, 18 का स्ट्राइक रेट है, हर 18 बॉल में विकेट निकालता है, ये भी ठीक प्लेयर है, लेकिन वही है इसका रोल भी कोई कंफर्म नहीं है। तो दो प्लेयर्स मैं चाहूँगा आप अपने खुद से रिस्क लें। यूर्जिनी मेरे को थोड़ा बेटर प्लेयर लगा, जो पिछले मैच में दो भी डाला था और इसने मैच को क्लोज भी किया था। आप देखो ड्यूजुनी कहाँ गए अपने ड्यूजुनी, ये देखो आप यहाँ दिखेंगे, पहला और नवा डाला था इसने, ठीक ठाक प्लेयर, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल। और एक प्लेयर मेरा मोस्टली सैपल या तो एंटनी होगा, एंटनी को ले लेते हैं, तो मेरी टीम बन चुकी है, इसमें कैप्टन मैं क्लैब थॉमस को कर दूंगा या फिर मैशमैन को, लेट्स सी किसके साथ जाते हैं यहाँ पे। मैशमैन इज मच बेटर प्लेयर, बात करते हैं तो रेपुटेशन के साथ आते हैं, क्लैब थॉमस भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और इन मैचेस के अंदर बैकअप प्लेयर जरूर ऐड कर लें, ये मेरी टीम बन रही है फिलहाल। और ग्रैंड लीग के अंदर किसको रोटेट करना है, वीडियो को फिनिश करते हैं जल्दी से। ग्रैंड लीग में देखो आपको क्यू हेनरी दिखते हैं यहाँ से सैपल को ट्राई कर लो, और टी गैब्रियल भी अच्छा प्लेयर है वैसे, ये दिख रहा है टी गैब्रियल, यहाँ से किसी को रोटेट करना, टीसन को रोटेट करो। कैमन गैसिंग ने पिछले मैच में एक ही ओवर डाला था, मार खा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ चलो कौन सा ओवर था इसका, गैसिंग का चौथा ओवर था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चौथा ओवर था इस बंदे का, यहाँ से ट्राई करना है तो नईम भाई साहब को ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच में इस भाई साहब का था नईम का दूसरा और चौथा, पावर प्ले में दो डाले थे इसने, इसको ट्राई कर सकते हो। और तो मेरे को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो या तीन प्लेयर्स है सारे ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट कर रहे हैं, ये तो बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है, वरना इसको मैं जरूर आपको टॉप ऑर्डर लेने के लिए कहता, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। सैपल इंपॉर्टेंट हो सकता है, गैब्रियल भी, ये दो प्लेयर्स आपको पूरे टॉप गेम को कंट्रोल करते हुए दिखेंगे, ये तो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो इस तरह से आप टीम बना सकते हो। देखते रहे स्टैट्स, मुझे लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और रैली के ऊपर जैसे आपसे 80 लाख रुपये का प्राइस पूल चल रहा है, फ्री का गिव अवे चल रहा है, जाके कार्ड्स बाय करके आप खेलो। यहाँ पे तीन प्लेयर सबको चूज़ करने पड़ते हैं, खेल के जो आपको समय बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुद यहाँ पे कॉन्टेस्ट जॉइन करूँगा, तीन प्लेयर चूज़ कर लो, एक प्लेयर को कैप्टन कर दो, आपकी टीम वही बन जाती है, दैट्स इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई इसमें रेफर कोड नहीं होता, उस लिंक के थ्रू आप साइनअप कर लें। सी सून, देखते रहे स्टैट्स गुरुजी, टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हो, जाके ज्वाइन करें।